हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की। तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो भाई, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और पूरे सिद्धांत का बेस समझेंगे और किस तरह से इसमें से प्रश्न बनते हैं आपके, वो भी हम बात करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका इस थ्योरी से, इस सिद्धांत से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो वो इस डाउट ही, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और आप जो है बिल्कुल इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप छोड़ने वाले नहीं हो। तो बिल्कुल, आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो भी हम क्लास करते हैं बिल्कुल बेस से लेके एडवांस लेवल तक बिल्कुल निचोड़ लेके चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी नए हुए चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो भाई, हम इसमें बात करने वाले हैं सारी चीजों की। पहली चीज बात करेंगे कि सिद्धांत का आधार क्या है, फिर हम बात करेंगे सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, फिर उसके बाद जो उन्होंने प्रयोग किया था आपका बिल्ली पर उसकी बात करेंगे, और फिर उसकी बात करेंगे हम उसका शैक्षणिक उद्देश्य क्या है। क्योंकि भाई, सिर्फ बिल्ली का प्रयोग रट लेना इसका मतलब ये नहीं कि आपको थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो समझ में आ गई है। भाई, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक एक्सपेरिमेंट है उनका। असली सिद्धांत तो ये है कि उसके आधार क्या है और उसका आप शिक्षा में किस तरह से यूज करते हो, उसका शैक्षणिक उद्देश्य क्या है, ये होता है मेन प्रश्न। आपके यहां से बनते हैं कि आप उसका शैक्षणिक उद्देश्य क्या है। अगर आप इसको, सिद्धांत को समझ नहीं पा रहे हो, तो सिर्फ प्रयोग पढ़ने के बाद आप आंसर नहीं कर सकते कभी भी क्वेश्चन का। और यही कंफ्यूजन बच्चों के साथ में, सारे स्टूडेंट्स के साथ में होती है कि वो सिर्फ ये रटते हैं कि बिल्ली में प्रयोग हुआ है और बाकी चीजें ना आगे की पता है ना पीछे की, और वो कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। तो हम इसमें पूरी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इसको किस किस नामों से जाना जाता है, क्योंकि कभी कभी नाम चेंज करके देगा, आप समझ नहीं पाओगे कि ये कौन सा सिद्धांत है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी को हम ये भी बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि इसके अन्य नाम मैंने लिखे हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत भी बोलते हैं, और त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो बोलते हैं, ये आपको पता है, और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल आपको याद रखने हैं। और ये क्यों बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, क्यों बोलते हैं, इसकी बात भी करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका आधार क्या है, क्यों ये सिद्धांत जो उन्होंने प्रतिपादित किया, तो उनका क्या सिद्धांत रहा है, क्या आधार रहा है। तो भाई, उन्होंने, उनका सिद्धांत जो था, उनका आधार था, वो ये था कि उन्होंने ये कहा, जब किसी व्यक्ति के सामने, व्यक्ति या पशु, उन्होंने दोनों को समान माना है, अभी हम विशेषताओं में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, किसी भी व्यक्ति के सामने जब कोई उद्दीपक रखा जाता है या उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, तो वो इसके प्रति अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं करता है। उसके बाद उन प्रक्रियाओं में से जिसका संबंध उससे, जो सही प्रक्रिया होती है उसका संबंध उस उद्दीपक से जुड़ जाता है, और वो उस उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर उस सही अनुक्रिया को करने लगता है। तो इसको जो है सीखना कहते हैं। समझे नहीं समझे फिर से समझ लो। उन्होंने कहा कि जब किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पुरुष के सामने उन्होंने कोई उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस जो है उन्होंने रखा, तो उस स्टिमुलस के प्रति वो अनुक्रियाएं प्रस्तुत करता है, वो व्यक्ति जिसके सामने आपने स्टिमुलस या उद्दीपक रखा है, और जो वो प्रक्रियाएं कर रहा है उनमें से कुछ गलत होती हैं, त्रुटि वाली कुछ सही हो जाती है। अब जो सही हो जाती है उसका संबंध जुड़ जाता है आपका किससे, उद्दीपक से, और जब वो संबंध जुड़ जाता है उसी को सीखना कहते हैं। अब इसको तो आप समझ गए होंगे, और इसी के आधार पे उन्होंने क्या किया, इसका नाम रखा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। समझो, उद्दीपक पैटर्न, उन्होंने उद्दीपक प्रस्तुत किया, अनुक्रिया हुई है, और जो सही अनुक्रिया हुई है उसका संबंध जुड़ गया उद्दीपक से, और दोनों के मिलके बना उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। डाउट सारे क्लियर होने वाले हैं जब आगे एक्सप्लेनेशन होगी, अपनी चिंता मत करो। उसमें क्या किया, जब सही, वो सही, उसने जो सही वाली अनुक्रिया की है, उस अनुक्रिया को करने पर उसको पुरस्कार मिला, उसको खुशी मिली, उसको संतुष्टि मिली, तभी तो उसका संबंध उसका सही अनुक्रिया का उद्दीपक से जुड़ा है। तो जब उसको पुनर्बलन मिला, तब उन्होंने आगे पुनर्बलन भी जोड़ा, उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत। आई थिंक आप समझ रहे होंगे इस चीज को। अब हम आगे आते हैं, तब आप और क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं विशेषताओं की। तो उनकी विशेषता क्या थी, सबसे पहली विशेषता यह थी कि सीखने की प्रक्रिया पशु में हो या मनुष्य में समान ढंग से होती है। उन्होंने क्या कहा कि जो सीखने वाली प्रक्रिया है, जो अधिगम की प्रक्रिया है, वो पशु में भी और मनुष्य में भी समान रूप से होती है, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि से द्वारा होती है सीखना।
दूसरी विशेषता उन्होंने क्या कही कि सीखना जो है वो किरमोत्तर है ना कि सूझपूर्ण होता है, यानी कि जो सीखना है वो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों में स्टेप्स में होता है ना कि सूझपूर्ण होता है। उन्होंने सूझ को अपने सिद्धांत में जगह नहीं दी है, उन्होंने कहा सीखना जो होगा वो गलती कर करके बालक जो है गलती कर करके स्टेप बाय स्टेप सीखता है। आगे उन्होंने कहा कि सीखने में चिंतन या विवेचन का स्थान नहीं होता, यानी कि सीखना जो है वो एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है, डायरेक्ट मेथड है, ना कि चिंतन और विवेचन का। तो ये उनके जो है सिद्धांत की क्या थी विशेषता है। अब बात करते हैं उसने प्रयोग क्या किया, उन्होंने जो प्रयोग किया है किस पे, उन्होंने कई चीजों पे किया था, कुत्ते पे उन्होंने किया आपके, और बिल्ली पे उन्होंने किया, एक चीज पे और किया था, और वो चाहते थे कि वनमानुष पे भी करें, लेकिन वनमानुष पे वो कर नहीं पाए थे क्योंकि उस टाइम पे वो उसको खरीद नहीं पाए थे महंगा होने के कारण। तो जो उन्होंने प्रयोग किया बिल्ली पर, अब इसको समझते हैं, उन्होंने क्या किया एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, क्या किया पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जिसमें एक सिटकनी लगी थी, यानी कि एक कुंडी टाइप की जिसके गिरने से दरवाजा खुल सकता था। अब उन्होंने उसको बिल्ली को, भूखी बिल्ली को उस बक्से के अंदर बंद कर दिया और बाहर जो है उस बक्से के खाना रख दिया। अब क्या करेंगे, वो जो खाना है वो उद्दीपक है, अपने जब सामने खाना रखा है और बिल्ली भूखी है तो अनुक्रिया तो जाहिर सी बात होनी है, तो बिल्ली ने क्या किया अनुक्रियाएं करनी शुरू की, यानी कि उसने कभी इधर पंजे मारे, कभी इधर गया, उछलना, कूदना, खसोटना, नोचना, सारी क्रियाएं की, और ये जो सारी अनुक्रियाएं हो रही थी इसमें अचानक से उसका हाथ जो है वो उस सिटकनी पर, उस कुंडी पर लग गया और वो कुंडी खुल गई, दरवाजा खुल गया और उसने भोजन कर लिया। फर्स्ट स्टेप तो ये रहा, उन्होंने फिर दोबारा से वो प्रक्रिया अपनाई, फिर जब उन्होंने दोबारा उसको बिल्ली को अंदर बंद कर दिया पिंजरे में, वहां फिर से खाना रखा, तो उसने फिर से वही चीजें, वही अनुक्रियाएं की, तो फिर उसका जो है हाथ उस पर फिर लग गया पिंजरे पे। अब जब ये उन्होंने प्रक्रिया बार बार दोहराई तो बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली उस चीज को समझ गई कि इस पे हाथ लगाने से जो है सिटकनी खुल जाती है और खाना मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उस व्यवहार को बिल्ली ने सीख लिया। तो इसी को उन्होंने कहा कि प्रयत्न किए बिल्ली ने बार बार, और प्रयत्न करने के बाद जो है त्रुटियां भी हुई, यानी कि उसने गलत व्यवहार भी किए, कभी इधर मारना कभी इधर मारना, तो प्रयास भी किया त्रुटि भी हुई, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ अधिगम हो गया, बिल्ली सीख गई कि कुंडी को कैसे खोलते हैं और खाना कैसे खाया जाता है। तो ये तो था इसके हिसाब से कि आप समझ गए प्रयत्न और भूल के हिसाब से। अगर हम बात करें उद्दीपक अनुक्रिया के हिसाब से, तो भाई वो उद्दीपक था जो उसके सामने रखा था और उसके प्रति उसने कई प्रकार की अनुक्रियाएं की, अनुक्रियाएं करने के बाद जो सही वाली अनुक्रिया हुई, यानी कि सिटकनी खोलने वाली, कुंडी खोलने वाली जो सही अनुक्रिया हुई, उसका संबंध जुड़ गया किससे उद्दीपक से। तो उद्दीपक से जब संबंध जुड़ा तो उसमें अधिगम आ गया आपका, और पुनर्बलन क्या मिला उसको, पुनर्बलन मिला है खाना, जो उसको खाना मिला है वो पुनर्बलन उसके लिए। तो आई थिंक इस चीज को आप समझ चुके हैं कि पूरा प्रयोग किस तरह से हुआ था और उन्होंने अपने सिद्धांत का किस तरह से उस प्रयोग के अंदर यूज किया है वो आप समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक उद्देश्यों की, कि उसका शैक्षणिक उद्देश्य क्या है। तो भाई इसके बहुत सारे शैक्षणिक उद्देश्य हैं जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसके। फर्स्ट थिंग तो ये है सबसे पहले कि टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए उद्दीपक पैदा करने चाहिए जिससे कि बच्चा जो है उस पर क्रिया करे अधिगम के लिए। कक्षा में कोई भी इस प्रकार का मोटिवेशन पैदा करने के लिए बच्चों के अंदर, बच्चों को एक्टिव बनाने के लिए कोई भी स्टिमुलस पैदा किया जाए। फर्स्ट थिंग तो ये थी। दूसरी चीज ये थी उनका जो शैक्षणिक उद्देश्य है, दूसरी चीज में ये आता है कि बच्चे को जब आप कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो तो उसको उसका बार बार अभ्यास कराया जाए ताकि वो उस बच्चा उस चीज को सीख जाए। तीसरी चीज क्या है यहाँ पे कि बच्चे को गलती करने के अवसर दिए जाएं। भाई बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको डांटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार में सीखेगा। उन्होंने क्या कहा उन्होंने तो ये कहा है कि सीखना जो है वो किरमोत्तर है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे धीरे होता है, तो बच्चा जो है पहली बार में तो सीख नहीं पाएगा, इसलिए उसको चांस दो गलती करने के, उस काम को बार बार करने के, बच्चा जो है लास्ट में धीरे धीरे सीख जाएगा। उन्होंने कहा कि सूझबूझ नहीं होता, किस यहाँ पे जो है बिल्ली के प्रयोग में कहीं भी उन्होंने सूझ को देखा नहीं है, बिल्ली के अंदर कोई भी ऐसा आइडिया अचानक से नहीं आया कि वो उसको सिटकनी को खोले, उसने त्रुटि की, बार बार प्रयत्न किए तब जाके जो है उसको सीखा। तो इसका मतलब क्या है, वो जो सीखना है वो अधिगम उसका किरमोत्तर हो रहा है। उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया कि चिंतन और विवेचन का स्थान नहीं है, यानी कि बिल्ली के ने जो भी किया उसमें बिल्ली ने कोई चिंतन नहीं किया, कोई विवेचन नहीं किया, उसने डायरेक्टली धीरे धीरे प्रयास और त्रुटि की और तब उस चीज को सीखा है। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा अवसर दें आप प्रयास और त्रुटि करने के, उसको गलतियां करने दो, उसको बार बार करने दो, आप वो बच्चा सीखेगा धीरे धीरे, इसलिए पेशेंस के साथ में उसको सिखाना है। तो ये थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने
इनके जो आलोचनाएं कुछ हुई हैं या ये कह सकते हैं इस सिद्धांत की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आलोचकों ने दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो यहाँ पे इन्होंने कहा है दूसरी अपनी विशेषता में कि सीखना त्रुणोत्तर है ना कि सूझपूर्ण है, तो ये गलत उन्होंने कहीं पे ठहराया है। उन्होंने कहा कि सूझ भी होती है भाई, सीखने में सूझ भी आती है और बच्चे सूझ के द्वारा भी सीखते हैं और केवल अभ्यास के द्वारा बच्चे नहीं सीखते। सिर्फ अभ्यास करना काफी नहीं है, उसमें सूझ की संज्ञानात्मक विकास की तर्क की जरूरत पड़ती है। तो इस चीज पे जो है उन्होंने कहा है और चिंतन और विवेचन को जो उन्होंने स्थान नहीं दिया उसको भी उन्होंने कहा कि भाई इसका भी स्थान होता है इसमें। तो ये दो चार तो उनके आलोचकों ने जो भी बातें की हैं लेकिन फिर भी जो इसकी इंपॉर्टेंस है भाई वो उसको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते। आज भी ये सिद्धांत प्रियतम और भूल का सिद्धांत बहुत ज्यादा उपयोगी है और बच्चों के लिए काफी उपयोगी साबित होता है और आज भी प्रचलन में है और इसका यूज भी है, फायदे भी बहुत सारे। तो आई थिंक इससे संबंधित भाई अब तो आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे बिल्कुल गारंटी के साथ। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, उसको फिर से मैं क्लियर कर दूंगा। तो कैसी लगी वीडियो ये भी लिख के फीडबैक जरूर देना और जरूर बताना वीडियो में लिख के कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। लाइक करें भी वीडियो को और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करो ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए। एग्जाम्स आपके करीब आने वाले हैं तो भाई वीडियो थोड़ी सी लेट आई है, 6 बजे में नहीं कर पाया, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो वीडियो आपकी आती रहेंगी आगे भी, डेली 6 बजे आएगी साइकोलॉजी के लेक्चर और हो सकता है अब दिन में आपके 2 लेक्चर आए क्योंकि भाई टाइम कम है और सिद्धांत और लेक्चर्स आपके काफी ज्यादा हैं, तो दिन में हो सकता है 2 लेक्चर हम लाएं। तो बाकी 2 बजे वाली वीडियोस तो आपकी आती रहेंगी, साइकोलॉजी के भी हो सकता है 2 लेक्चर आए। तो सब लोग देखते रहे और फायदा उठाते रहे और शेयर करते रहे, शेयर रुकना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सारी वीडियोस क्योंकि आपको पता है कि सबको जरूरत है, बहुत दूर दूर लोग बसे हैं और बहुत सारे गांव गांव में ऐसे लोग रहते हैं जिनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, न उनको बुक्स अवेलेबल हो रही है, न उनके आसपास जो है कोई भी कोचिंग सेंटर है ताकि वो कोचिंग कर सके, तो वो बहुत परेशान होते हैं यार। और आप लोग अगर 2-4 शेयर करोगे उन तक पहुंच जाए वीडियो तो उनकी भी जिंदगी संवर जाएगी भाई, उनको भी चांस मिल जाएगा एक अपने आप को आगे लाने का। तो इसमें सहभागिता निभाएं, आप लोग सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और सीटेट गाइड को देखना ना भूलें, सीटेट गाइड प्लेलिस्ट और हाउ टू क्रैक सी पेडागोजी ये प्लेलिस्ट जरूर देखते रहें, ये पूरी आपकी जो है निचोड़ है और मार्गदर्शक है आपको सीटेट क्रैक कराने के लिए। तो बिल्कुल देखते रहें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।